बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में दोनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। वर्ष 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ सरकार में दोनों को मंत्री पद मिला था। सिलावट और राजपूत कमलनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री थे। मार्च में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार बनी, उसमें भी दोनों मंत्री रहे। विधानसभा उपचुनाव से पहले गैर विधायक के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा होने के कारण 21 अक्टूबर को दोनों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उपचुनाव में भारी मतों से जीत के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया समर्थक गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को जल्द मंत्री बनाया जाएगा। उपचुनाव से पहले सिलावट शिवराज मंत्रिमंडल में जल संसाधन और राजपूत परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दोनों मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि जल्दी जल्दी चुनाव जीत रहे हो, जल्दी जल्दी मंत्री बन रहे हो। वर्ष 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ सरकार में सिलावट और राजपूत को सिंधिया खेमे से मंत्री पद मिला था। उसके बाद इन सब ने मिलकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था और शिवराज सरकार में शामिल हो गए थे। उपचुनाव के बाद अब ये पुनः मंत्री बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक संक्षिप्त समारोह में दोनों मंत्रियों को शपथ दिलवाई। देरा है दुरस्ता है, नहीं कहा करो, सब्र का फल मीठा होता है और पार्टी का जो आदेश रहता है, पार्टी का आदेश हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे मानना चाहिए और मैं खुश हूँ। मुझे कहीं भी कोई भी इस बात का गिलानी नहीं है कि मेरी शपथ 2 महीने बाद हुई है। मैं खुश हूँ, जब सरकार पार्टी का आदेश हुआ, जब मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ, जब मुझे आदेश आया, मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मेरी अपेक्षा से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा और मुख्यमंत्री के देने से होता है। ये मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार है। मैंने हर विभाग में बहुत अच्छा काम किया है, परिवहन विभाग में अच्छा काम किया, राजस्व में अच्छा काम किया है, सहकारिता में काम किया है, खाद्य में अच्छा काम किया है। जो विभाग मुख्यमंत्री देंगे वो विभाग में। कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री एक किसान के बेटे शिवराज जी ने जो मिलावट के खिलाफ जो एक बुनियाद रखी थी हम लोगों ने, उसको और आगे बढ़कर हमने रासुका लगाने की बात की, उन्होंने आजीवन कारावास की बात की। आईपीसी 272, 273, 274 के तहत मिलावट करने वालों का, भूमाफियों का, खनिज माफियों का, ड्रग माफियों का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं होगा, उनका सलाखों के पीछे होगा। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति, किसानों का विकास, युवाओं का विकास, बेटियों का सम्मान, जो मध्य प्रदेश की आत्मा है आदिवासी, उनका विकास, समाज का अंतिम व्यक्ति उसका विकास, इन सब के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया का इस्तीफा शनिवार को मंजूर कर लिया। दोनों मंत्रियों ने नवम्बर अंत में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे, जो अब मंजूर किए गए। दोनों मंत्रियों का शनिवार को ही 6 महीने का समय पूरा हो रहा था। इमरती देवी ने दूसरी बार 1 जुलाई 2020 को शिवराज सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उपचुनाव हारने से उनका फिर से मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।